न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेस, जो हम लोगों ने किया था शेयर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, टाउ वाई ऑफ एक्स, अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ, या लीनियर प्रोपोर्शनल किसके होता है, लीनियर रिलेशनशिप किसके होता है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन की, यानी कि डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस ऑफ वाई कंपोनेंट, डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी और अलोंग डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, वो जो हमने दो प्लेट के दरमियान में किया था, बिटवीन टू प्लेट, वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज मूव, उसमें अगर आपको याद होगा तो उसमें यही था कि जो डिस्टेंस था प्लेट के दरमियान, हम वो वाई ले रहे थे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, और जो टाउ होता है वो किस चीज को डिनोट कर रहा होता है, शेयर स्ट्रेस, और म्यू क्या होता है, विस्कोसिटी होती है, तो ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दैट्स इट। अच्छा उसके बाद हम बोले यहाँ पे बोले यू वेलोसिटी है सर, म्यू 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 म्यू, हाँ बोले, सर हाँ यू यू सर यू वेलोसिटी है सर, यू वेलोसिटी है। सही है सर। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे भी है। अब हम फ्लूड के बिहेवियर को चेक करने के लिए, दो तरह के फ्लूड होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। न्यूटोनियन फ्लूड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करें, उसे क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूड। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे ना करें, वो क्या होते हैं आपके, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूड के भी आगे टाइप है, इसकी टाइप है, मैं शुरू करती हूँ उसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना। अब सबसे पहले क्या होता है, हमने न्यूटन लॉ पढ़ लिया, हमारे पास दो तरह की चीजें आ गई, एक होता है न्यूटोनियन, और दूसरी क्या है, होते हैं, और उसके बाद होते हैं नॉन न्यूटोनियन। ये क्या करता है, ओबे करता है किसको, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। और नॉन न्यूटोनियन क्या होता है, ये ओबे नहीं करता। नॉन न्यूटोनियन डज नॉट ओबे, डज नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसके बाद हमने चेक करना है, एक चीज और है इसी के अंदर ही ऐड करवाऊंगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की आगे टाइप है, न्यूटोनियन फ्लूड की टाइप नहीं है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की टाइप होती है। उससे पहले नॉन न्यूटोनियन फ्लूड की टाइप डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा करते हैं पावर लॉ। पावर लॉ फ्लूड भी नॉन न्यूटोनियन के अंदर आता है, ये होता है टाउ वाई ऑफ एक्स के डावा यू ओवर डावा वाई की पावर एन, एन इज पावर लॉ को भी डिनोट करता है, लेकिन इसको कहते हैं फ्लो इंडेक्स, यहाँ पे लिख देते हैं फ्लो इंडेक्स, ये आपको सही मिल जाएगा। और एक होता है ये कंसिस्टेंसी होती है, फ्लूड की कंसिस्टेंसी, फ्लूड की विस्कोसिटी के जो होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स हो गया, ये सर फिलो पावर। इंडेक्स से क्या, हाँ बोलो, सर फिलो इंडेक्स से क्या मुराद सर? फ्लो इंडेक्स हम इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ्लूड आइदर, अगर एन इज ग्रेटर देन वन होगा तो तब फ्लूड का बिहेवियर क्या होगा, अगर एन इज लेस देन होगा तो तब क्या होगा, वो आगे इसके बारे में और डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसको और ओके सर, डिस्क्राइब ठीक है। करेंगे। अच्छा
इसकी देर आर फाइव टाइप, शेयर थिनिंग फ्लूड होते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूड होते हैं, थिक्सो रियोपेक्टिक बिंगम प्लास्टिक फ्लूड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉन न्यूटोनियन की टाइप में से एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं डायलेटेंट फ्लूड। इसका ग्राफिकल भी देखेंगे कि ग्राफिकल इसका बिहेवियर क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं डायलेटेंट फ्लूड। इफ अब जो हम बात कर रहे थे n की, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन वन। जब n इज ग्रेटर देन वन होता है तो उसे क्या कहते हैं, डायलेटेंट फ्लूड। ये ऐसे फ्लूड होते हैं जिनकी शेयर थिकनिंग फ्लूड होती है। शेयर थिकनिंग फ्लूड से मुराद ये होती है कि ऐसे फ्लूड जो टाइम के साथ उनकी जो शेयर थिकनिंग है, शेयर थिकिंग वो ज्यादा रहे, उसे क्या कहते हैं, डायलेटेंट फ्लूड कहते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, जो स्टार्च की एक्सपेंशन हो रही होती है, कॉर्न स्टार्च एक होता है, जब आप वाटर में डालोगे तो उसकी जो एक्सपेंशन है वो होती रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, डायलेटेंट फ्लूड कहते हैं। इसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता है। डायलेटेंट फ्लूड का n इज ग्रेटर देन 1, ये होता है डायलेटेंट। ये सारी चीजें उसमें लिखी है पीडीएफ में यहाँ पे बताने को। इसी तरह फिर आता है स्यूडो प्लास्टिक, वो शेयर थिकनिंग फ्लूड होते हैं। डायलेटेंट फ्लूड ऐसे फ्लूड जो शेयर थिकनिंग फ्लूड हो उसे क्या कहते हैं, डायलेटेंट फ्लूड कहते हैं, इफ n इज ग्रेटर देन 1। और इसकी एग्जांपल मैंने कॉर्न स्टार्च की एक्सपेंशन दी थी। कॉर्न स्टार्च में एक मिनट, कॉर्न स्टार्च की एग्जांपल का यहाँ पे करते हैं कि कॉर्न स्टार्च कैसा होता है। कॉर्न स्टार्च एक्सपेंशन, यहाँ पे कोई है नहीं है एग्जाम्पल उसकी, मिलेगी तो मैं एग्जाम्पल इसकी इसमें ऐड कर दूंगा। तो अब एक और आता है आपके पास सूडो प्लास्टिक फ्लूड। सूडो प्लास्टिक फ्लूड ऐसे फ्लूड जो शेयर थिनिंग होते हैं, और इनकी जो कर्व होती है वो कुछ इस तरह बनती है व्हेन एन इज लेस देन वन। तो ऐसे फ्लूड क्या होते हैं, शेयर थिनिंग फ्लूड होते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होती है, ब्लड, क्योंकि इनका शेयर थिनिंग होता है, n इज ग्रेटर देन 1। हमने अभी क्या क्या किया दोबारा से बताता हूं। अभी हम नॉन न्यूटोनियन की टाइप पढ़ रहे हैं। जो न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं वो सिंपल तरीके से हो जाते हैं। अगर आप न्यूटोनियन फ्लूड का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उनका एक लीनियर रिलेशनशिप होता है शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के दरमियान, शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस, उसका लीनियर रिलेशनशिप होता है। ये होते हैं न्यूटोनियन फ्लूड। इन सब का एक साथ ग्राफ बनाएंगे तो ये होते हैं न्यूटोनियन फ्लूड। नॉन न्यूटोनियन की हमने टाइप में से पहले पढ़ा पावर लॉ। पावर लॉ में हमने पढ़ा कि इफ एन इज ग्रेटर देन वन तो आपके पास कौन से फ्लूड होते हैं, डायलेटेंट फ्लूड होते हैं। इफ एन इज लेस देन वन तो कौन से फ्लूड होते हैं, सूडोप्लास्टिक होते हैं। सूडोप्लास्टिक की एग्जांपल है ब्लड, और डायलेटेंट फ्लूड की होती है कॉर्न स्टार्च की एक्सपेंशन होती है। यहाँ तक करने के बाद अब एक फ्लूड और है जिसे हम कहते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूड, बिंगम फ्लूड। सर ये स्ट्रेन वेट क्या चीज है सर, इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। किसके बारे में सर, स्ट्रेन वेट जो है, स्ट्रेन वेट तो कहीं नहीं लिखा, ये क्या चीज है, एक्सप्लेन करो। कहाँ पे स्ट्रेस से वेट हुआ, नहीं वेट ये शेयर स्ट्रेस है और शेयर रेट है, ये शेयर द रेट ऑफ, सुनो, the rate of deformation of fluid is known as shear rate, और shear stress क्या होती है, force per unit area is known as shear rate।
शेयर स्ट्रेस जो हमने पहले इसकी कर लिया था। अच्छा बिंगम प्लास्टिक फ्लूड क्या होते हैं, इसकी एन और एन से इसका कोई रिलेशन नहीं है बिंगम प्लास्टिक का, तो ये थोड़ा सा बनेगा कुछ इस तरह, इसका स्केल से हम इस तरह बनाएंगे, इसका लीनियरली होता है इस तरह। इस पे जो शेयर स्ट्रेस लग रही होती है वो यील्ड शेयर स्ट्रेस लग रही होती है, मींस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस अप्लाइड ऑन बिंगम प्लास्टिक फ्लूड। इसकी एग्जांपल है टूथपेस्ट, अगर टूथपेस्ट को आप इन्वर्ट करें तो वो बिना शेयर स्ट्रेस अप्लाई अपनी मर्जी से नहीं आएगी, जब तक आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शेयर स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते। तो ऐसे फ्लूड को क्या कहते हैं, ये होता है बिंगम प्लास्टिक। ये होता है बिंगम BINGA प्लास्टिक फ्लूड। अब ये इन सब का एक ग्राफिकली व्यू करते हैं, अभी मैं इसका एक ग्राफ सबका एक बता देता हूं, एक मिनट। ये अभी देख सकते हैं, ये देखें, अब ये देखें जिस तरह हमने पहले पढ़ा था डायलेटेंट फ्लूड। डायलेटेंट फ्लूड क्या होते हैं, इफ एन इज ग्रेटर देन वन तो शेयर थिनिंग फ्लूड हो जाते हैं, इफ एन इज लेस देन वन सूडोप्लास्टिक। शेयर एक शेयर थिकिंग है डायलेटेंट और शेयर थिनिंग है सूडोप्लास्टिक। उसके बाद हमने किया था न्यूटोनियन, ये आप लीनियर रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या होते हैं न्यूटोनियन फ्लूड होते हैं। इसके बाद आते हैं बिंगम प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शेयर यानी कि यील्ड शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे लिख भी देते हैं इसको यील्ड शेयर स्ट्रेस, तो वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूड होते हैं। ये करने के बाद अब आ जाए टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फ्लो, वो होते हैं रियोपेक्टिक और जिक्सोट्रॉपिक फ्लूड। रियोपेक्टिक और जिक्सोट्रॉपिक फ्लूड क्या होते हैं, ऐसे फ्लूड जो पैसेज ऑफ टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं उसको कहते हैं रियोपेक्टिक फ्लूड। रियोपेक्टिक फ्लूड को भी यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं रियोपेक्टिक फ्लूड। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बनेगा, इसे कहते हैं रियोपेक्टिक फ्लूड। इसमें क्या होता है, जिस तरह इंक है प्रिंटर की इंक है या अगर इसका मार्कर ले लें, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप उसका कैप छोड़ दें कुछ दिनों तक तो आप देखेंगे उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसमें रेजिस्टेंस आती है,
इसमें विस्कोसिटी ज्यादा हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट मींस कि उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ऐसे जो फ्लूड होते हैं उसे क्या कहते हैं, जो पैकेट फ्लूड कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड कुछ इस तरह है, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ऐसे फ्लूड को क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड। यहाँ पे लिख भी देते हैं थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड। इसकी एग्जाम्पल ये है वाटर, बेंटोनाइट, क्ले। जब इन दोनों का मिक्सचर करेंगे और इन दोनों को जब इन दोनों का मिक्सचर करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। तो ऐसे जो फ्लूड होते हैं उसको क्या कहती हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूड कहती है। आज की जो दो मेन और चीजें हैं वो कौन सी होती हैं, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूड। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होते हैं, ऐसे फ्लो जो डेंसिटी के साथ वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे वेरी करते हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। डेंसिटी of flow varies from one point to another point। और incompressible flow में क्या होता है, density remains constant। तो ऐसे flow को क्या कहते हैं, incompressible flow कहते हैं। Flow density remain constant। ऐसे फ्लो को हम क्या कह सकते हैं,